अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू घरेलू पकवान। आज हम बनाने वाले हैं दाल में इलायची बैगन। ये दो इलायची बैगन ले को ही ये बेल में छुटते सो ये सी में बदने का एक कहती इसे कनाडा में। ये पांच टमाटो, ये साइज के पांच टमाटो दराश कर रखी हुई। इमली का खट्टा, एक कप दाल, एक कप से एक कप दाल। ये धोको भिगोने दाल को रख लियो। ये जीरा मेथी पाउडर एक स्पून, दो स्पून नमक, एक स्पून मिर्ची का पाउडर, आधा पौ स्पून हल्दी का पाउडर। ये एक बड़ी प्याज लेको, ये बारीक तराश को रख लिया। उसमें अच्छी तरी बघार को तराश को रख लियो। ये थोड़ा लहसुन के कलिया। मैं ये बैगन में छिल लेती हूँ, छिले बद दिखाती हूँ, दिखा को काट लेती हूँ। ये बैगन ऐसा आलू को छिले जैसा मैं छिलको रख लियो। इसमें आधा आधा करको ये बीच काट लेना, बीच में से आधा आधा करको। ऐसा बीज निकाल लेको। ये है ना इसका, ऐसे अच्छे बड़े बड़े फाका जैसा कद्दू में निकालती, ऐसा कद्दू काटती ना ऐसा काट लेना। देखिए इस तरह से इसकी दाल बहुत मजेदार होती है, जायके वाली। गर्म हो गए कुकर में। अब मैं ये दाल भीगने डाली थी, सो दाल दो ग्लास पानी डालियो। अब इसमें लहसुन डाल रही हूँ, लहसुन भी टमाटो। अब हल्दी डाल को दो सीटी रख डाल। बड़ी फ्लेम में कुकर को अब मैं दो या तीन सीटी तक पका के ऑफ करूंगी। फ्लेम हो गया, कुकर ठंडा हो गया। मैं कुकर को ओपन कर रही हूँ। दाल अच्छी गल गई है। अब इसे निथार को घोट लेना, घोटने बाद दिखाती हूँ। दाल घोट को चूल्हे पर रख ली। अब ये मैं ये इलायची बैगन काटे थे ना, ये फोल्डिंग में से भी अच्छा छिलका उतार लेना इसका, ऐसा काट को रख लियो। अब मैं ये डाल रही हूँ। अब ये डालने के बाद नमक, मिर्ची, हल्दी तभी इसमें मैं डालियो। अब दरी हल्दी इधर डाल रही हूँ, जीरा मेथी का पाउडर, ये पूरा डाल को। ये पकने के बाद इसे एक सीटी लिड लगा डालती हूँ। और ये खट्टा है ना, ये भी थोड़ी अमली लेको मैं चूर लियो, आधा डालियो, आधा टिका लियो। होना जरूरत है तो दाल को और ये प्याज है ना, तराशी हुई प्याज, ये प्याज भी डाल रही। ये सब पकने देखो एक सीटी। कोथिमीर डाली, ये एक मुठी कोथिमीर लेको बारीक तराश की। अच्छा मिक्स करको, एक सीटी पके बाद स्टोव ऑफ कर दी। दाल इस तरह से बन गई है, बैगन भी अच्छे गल गई। अब मैं बघार रख लूं चूल्हे पर। बघार रख लियो, अब मैं इसमें रायान डाल रही हूँ। दाल में बचा था सो खट्टा भी डाल दी और थोड़ा नमक लगना था वो भी डाल को हो टेस्ट के हिसाब से। रायान अच्छा उड़ रही, इसलिए मैं प्लेट बंद कर रही हूँ।
प्याज डाल देंगे घर में। प्याज थोड़ी लाल होने के बाद कड़े पत्ते डाल के बघार होने के बाद दाल में मिक्स कर दूंगी। रायन की खुशबू बहुत अच्छी बात सारी। सालन अच्छे से पके है तो इमली का खट्टा थोड़ा नमक डालने के बाद फिर से पकाई हो। अब इसमें बघार डाल के मिक्स करना है। बघार भी ब्राउन होती आ रही है प्याज बघार की। मैं एक कड़ी करेपाक धोकर रख ली थी वो भी डाल कर दाल सर्व करने के लिए तैयार है। इलायची बैगन और दाल में इलायची बैगन डाल के सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत मजेदार होती है दाल। अगर आप अपने घरों में ट्राई करेंगे तो मालूम होएगा इसका जायका। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू पकवान।